गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो एस्पिरेंट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा मेरे बारे में अपना मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है एकता वर्मा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएड करी है आईपी यूनिवर्सिटी से, एंड इग्नू से मैंने कर रखी है अपनी एमए इंग्लिश। करंटली आई एम वर्किंग इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल। मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में अभी करंटली जो है वर्किंग हूँ एज अ TGT इंग्लिश। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और आज की जो वीडियो है यह एक तरीके से डेमो वीडियो है, ताकि मुझे पता चल जाए आप सबके पास जो है वीडियो की क्वालिटी, साउंड सब सही तरीके से पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा। कोई भी कमी रह जाएगी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। और कोई भी बच्चा ये ना समझे कि टॉपिक जो है हमारे किड्स लेवल का है, बेटा हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, तो कोई भी बच्चे को हमें छोड़ना नहीं है। इंग्लिश के लिए हमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर करते जाना है, ताकि वो बच्चे जो हैं सब जो है एक साथ जो है आगे बढ़ें। ओके, तो अपना हम टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का नाउन। जैसा कि आपको पता है, नाउन को हम क्या बोल सकते हैं, और नेमिंग वर्ड, ठीक है, मतलब कि किसी का भी चीज़ का नाम क्या होगा, हमारा नाउन। नाउन के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, कोई भी आइडिया, क्वालिटी, ये सब किसके अंदर आएंगे, हमारे नाउन के अंदर ही आएंगे। तो देखो हमारी डेफिनेशन भी यही है, अ नाउन इज़ यूज्ड ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, और नेमिंग वर्ड्स। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, व्हाट इज़ अ नाउन, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड which includes person, place, animal, thing, idea and quality of a person. Next slide पे हम चलते हैं। Noun के अंदर हम क्या क्या include करेंगे, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, person हमने include करा, देखो आपको person की photo दिख रही है ये, place कोई भी place include करा, ठीक है, person में जैसे कि आपने ले लिया राम, श्याम, रोहन, मोहन, अर्जुन वगैरह, कुछ भी हम किसी का भी name ले सकते हैं। प्लेस में हमने लिया किसी भी प्लेस का नाम, इंडिया गेट, ताजमहल, कुतुब मीनार, एनी प्लेस का नेम जो है आपका नाउन के अंदर आएगा। कोई भी थिंग आपकी किस में आएगी, नाउन में आएगी, जैसे कि पेन, पेपर, इरेजर, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, मॉनिटर, सब किस में आएंगे, आपके नाउन में आएंगे। कोई भी आपका आइडिया, ये भी आपका किस में आएगा, नाउन में आएगा। तो नाउन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होंगी आपकी, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ये सब जो है आप नाउन में कवर करोगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन जो है हमारे कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट आपका आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि बेटा आपको नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन है ये, ठीक है, हर किसी चीज़ में कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है ना, तो ऐसे ही नाउन का नाम भी एक है कॉमन नाउन। इट इज़ अ नेम गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ सेम काइंड। देखो यहाँ पे एक लाइन आई है, सेम काइंड, जिसके अंदर वो चीज़ जो है सेम होगी। ओके, जैसे कि सारे बॉयज सेम होते हैं, सारी गर्ल सेम होगी, सारे टीचर सेम होगी, एट्सेट्रा, सारे गेम सेम होंगे, सारे आप कह सकते हो बच्चे सेम होंगे, चिल्ड्रन सेम होंगे। ओके, तो जो चीज़ जो है कॉमन है सबके अंदर, मतलब क्वालिटीज़ वही सेम सी है, वो किस में आ जाएंगे, आपके कॉमन नाउन में आ जाएंगे, जैसे कि बॉय, गर्ल, टीचर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इट इज़ अ नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। देखो प्रॉपर, पी से प्रॉपर, पी से पर्टिकुलर, ये याद रखना बेटा, कि जब हम किसी
कॉमन चीज़ में से किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम ले लेंगे, उसको निकाल लेंगे, अलग से निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ, जब मैं स्टेट्स की बात करूँगी तो वो आ जाएगा आपका कॉमन नाउन में। बट जब मैं उसमें से बोलूँगी कोलकाता, कोलकाता क्या हो गया आपका एक स्टेट हो गया। सॉरी, जब मैं कंट्रीज़ की बात करूँगी, कंट्रीज़ बहुत सारी होंगी, बट जब मैं किसी एक स्टेट का नाम ले लूँगी कोलकाता जैसे कि, तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। मैं बहुत सारी कंट्रीज़ की बात करूँगी, इंडिया, अमेरिका, चाइना, यूरोप, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ ली मैंने, तो वो क्या आ जाएगा कंट्रीज़ किस में आ जाएगा कॉमन नाउन में आ जाएगा। बट जब मैं बोलूँगी इंडिया, तो इंडिया किस में आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है अर्थ। जब मैं प्लैनेट्स बोलूँगी तब वो किस में आप करेंगे कंसिडर कॉमन नाउन में। बट जब मैं बोलूँगी अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, तो ये सब किस में आएंगे हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। तो प्रॉपर नाउन का मीनिंग होगा किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का हमें नाम लेना, कोई भी पर्सन, थिंग और प्लेस। जैसे यहाँ पे है कोलकाता, इंडिया, अर्थ, ओके। नेक्स्ट साइड पे हम चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपका? कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उसको फिर एक नाम से पुकारना। इट इज़ ए नाउन ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन। पर्सन्स को कलेक्ट कर सकते हो आप, थिंग्स को कलेक्ट कर सकते हो आप, और फिर हम क्या करेंगे उस पूरे ग्रुप को जो है एक वर्ड से पुकारेंगे। जैसे कि देखो ऑडियंस, ऑडियंस किससे मिलके बनता है हमारा? बहुत सारे लोगों से मिलके बनता है हमारा ऑडियंस। नेक्स्ट है हमारा क्लासरूम। क्लासरूम किससे मिलके बना हमारा? बहुत सारे बच्चों से मिलके बना। अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाती है? क्राउड, भीड़ हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे आपको जब वहाँ पे भेड़े इकट्ठी हो जाती हैं, शीप इकट्ठी हो जाएंगी, तो हम उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? फ्लॉक ऑफ शीप्स, ठीक है। कोई भी झुंड इकट्ठा हो गया जानवरों का, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अ हर्ड ऑफ लायंस, मतलब कि ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप जो है एक, हम उसको एक नाम से पुकारे, वो किस में आ जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। ऑडियंस और क्लासरूम इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा यहाँ पे यू की जगह ना ए कर लेना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की स्पेलिंग में टाइपिंग एरर हो गया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसमें कोई भी क्वालिटी आएगा आपका, कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट, स्टेट, मतलब क्या किसी भी स्टेट में होंगी, जैसे कि ब्यूटी क्वालिटी है किसी की, डेथ किसी स्टेट में है, किसी स्थिति में हो आप, किसी इंसान की जो है डेथ हो चुकी है, तो ये भी हमारा किस में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ब्यूटी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, सब क्या हैं? ये क्वालिटी हैं, तो ये हमारे आएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। इसके बाद हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो जो भी आपने देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप मेरे साथ जो है जुड़े रहें, और जिन बच्चों को लगे आज का टॉपिक जो है बहुत इजी था, तो बेटा हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो एक एक चीज़ हमको इंक्लूड करनी है। और आज की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी मोटिवेशन मिलते रहे पढ़ने की, और मैं भी जो है जितनी मुझे भी नॉलेज है मैं भी आपके साथ जो है शेयर कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।